हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईटीआई फिटर ज्ञान। हम लोग ने पिछले वीडियो में अपना थ्रेड के बारे में पढ़ा था और सब देखा था, थ्रेड का फिगर बना के पिच क्या होता है, डायग क्या होता है, डेफिनेशन हम लोग ने देखी थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड देयर यूजेस। टाइप्स ऑफ थ्रेड देखेंगे हम लोग एंड देयर यूजेस। ठीक है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कितने तरह के थ्रेड्स होते हैं। तो इसको हम लोग ने दो भागों में बांटा है। जो पहला हमारा हो गया वो हो गया हमारा वी थ्रेड, ठीक है, और जो नेक्स्ट हो गया स्क्वायर थ्रेड एंड मॉडिफाइड स्क्वायर थ्रेड हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसके इन दोनों टॉपिक के अंदर आके डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए रफ कर देता हूं मैं इसको और स्टार्ट करता हूं वीडियो आगे का। हम लोग देख लेते हैं वी थ्रेड के बारे में। हम लोग पहले पढ़ने जा रहे हैं वी थ्रेड हम लोग पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो वी थ्रेड में पहला हमारा जो होता है ब्रिटिश विटवर्थ थ्रेड। इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं BSW। तो चलिए पहले इसका हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, हमें क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड साइज में पाया जाता है, ये हमारा जो होता है स्टैंडर्ड साइज का माना जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग सिंपल वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सिंपल वर्क हमारा क्या हो गया, जैसे नट बोल्ट हो गया। तो चलिए जल्दी से एक छोटा सा फिगर देख लेते हैं हम लोग इसका। ये हमारा है, देख ले रहे हैं, ये हमारा मान लीजिए एक थ्रेड बनाए, तो इसका जो एंगल होता है थ्रेड एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। पी हमारा क्या हो गया पिच, ठीक है। पी को हम लोग कहेंगे पिच। मैं आगे जितने कराऊंगा उसमें सब में पी लिखूंगा, समझ जाइएगा पिच है। और ये आपका जो हो जाएगा, ये जो बीच की दूरी हो जाएगी इसके, इसको हम लोग कहेंगे डी। डी मीन्स डी को हम लोग डोनेट करेंगे किससे, डेप्थ से, ठीक है। और ये आपका रेडियस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये आपका रेडियस है मान लीजिए इधर। तो अब चलिए हम लोग इसमें देख लेते हैं, इसके हम लोग एंगल देख लेते हैं। ये सब एग्जांपल क्वेश्चन आते हैं तो उसमें यूज होंगे, ठीक है, फॉर्मूला इसके। तो एंगल पूछ लेता कभी कभी, एंगल हमारा तो इसका 55 डिग्री, ठीक है, एंगल हो गया। और हम लोग पिच क्या होता है हमारा, जो पिच होता है 1/TPI क्या है हमारा, थ्रेड पर इंच, यहां पे लिख दे रहा हूं TPI जो हो जाता है हमारा थ्रेड पर इंच, ठीक है। तो ये आपका ब्रिटिश विटवर्थ के बारे में था इतनी नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग इसको डेप्थ देख लेते हैं। डेप्थ का फॉर्मूला आपसे क्वेश्चन भी आएगा तो सॉल्व करेंगे आप लोग इससे। 6.6403 मल्टीप्लाई बाई पी, ये आपका डेप्थ हो गया। डेप्थ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डेप्थ को हम लोग हिंदी में कहते हैं गहराई। देखिए एंगल हो गया, हम लोग पिच देख लिए, डेप्थ देख लिए, अब बचा हमारा रेडियस। हमारा जो रेडियस है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 0.1373 मल्टीप्लाई बाई पी। पी क्या है यहां पे पी है पिच, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट हो गया ब्रिटिश विथ वर्थ। चलिए हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं, रफ कर देता हूं उसको, देखने जा रहे हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। देखिए इसके में फाइन आ रहा है, तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड यानी से फाइन आ रहा है
तो पिछला जो हमारा थर्ड हम लोग ने पढ़ा था ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथ वर्ड्स पढ़ा था हमने, फाइन आ रहा, तो देखिए इधर फाइन आ रहा, तो ऑब्वियस है कि ये जो हमारा पिछला वाला बीएसडब्ल्यू है उससे ये थोड़ा फाइन होगा। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, आपसे पेपर में पूछ लेगा बीएसडब्ल्यू क्या होता है, बीएसपी क्या होता है, बीएसएफ क्या होता है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। उसको हम लोग कहते हैं बीएसएफ, बी से ब्रिटिश हो गया, एस से स्टैंडर्ड हो गया, एफ से फाइन हो गया। चलिए जल्दी से हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्वियस है इसकी पिच जो है इट्स पिच, और इसकी जो पिच होती बहुत फाइन होती, तो इट्स पिच, इसकी पिच जो होती है बहुत फाइन होती है, ठीक है, बहुत फाइन होती है। किससे? इसकी पिच जो फाइन होती है कंपेयर टू विथ वर्ड, कंपेयर टू बीएसडब्ल्यू, बीएसडब्ल्यू थ्रेड, ठीक है। देखिए अब उसको हम लोग जहाँ ऐसी जगह पे, हम लोग इसको ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं या बहुत ज्यादा होने के चांस होते हैं, तो उसको हम लोग ऐसी जगह पे यूज करते हैं, यूज्ड एट दैट प्लेस वेयर चांस, और वेयर चांस ऑफ वाइब्रेशन, वेयर चांस ऑफ वाइब्रेशन Use at that place where chance of vibration is more. ठीक है, एक हमारा पॉइंट ये हो गया, और देखते हैं, देखिए एक चीज और देखिए, जब हमारा ये फाइन है तो ऑब्वियस है इसमें नंबर ऑफ थ्रेड जो है, नंबर ऑफ थ्रेड जो है वो ज्यादा होंगे किससे, बी एस डब्ल्यू वाले से, जो हम लोग ने पिछला पढ़ा था उससे ज्यादा होगा। आपसे कंपेयर करके भी पेपर पूछ सकता है कि बताइए बीएसएस में बीएसएस की पिच ज्यादा फाइन होती है कि बीएसडब्ल्यू की पिच ज्यादा फाइन होती है, ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बुक में भी जल्दी नहीं मिलेगा। तो देखिए ये हो गया डिफरेंस, जो नंबर ऑफ थ्रेड का साइज होता है, नंबर ऑफ थ्रेड साइज जो बहुत फाइन होती है कंपेयर टू बीएसडब्ल्यू से, ठीक है। और इसका हम लोग चलिए यूज देखते हैं, कहां कहां हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल में आजकल के नया ट्रेंड चला है, पेपर में आपसे एग्जांपल ही पूछ ले रहा है कि कहां कहां पे यूज होता है, देखो ऑटोमोबाइल में क्या यूज होता है, तो आप लोग को आंसर ये लगाना है, एयरप्लेन में यूज होता है, ठीक है, एयरप्लेन में यूज हो गया, और आपका यूज होता है आपके मशीन टूल्स बनाने में, मशीन टूल्स, ठीक है, इसको मशीन टूल्स बनाने में होता है, जहां पर वेयर वेयर फाइन पिच इज रिक्वायर्ड, मशीन टूल्स बनाने में यूज होता है जहां पर फाइन पिच रिक्वायर्ड होती है, मतलब आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये आपके एप्लीकेशन हो गया, जल्दी से हम लोग इसके फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका फिगर में बना रहा हूं, फिगर तो बनाना भूल गया, आपका सेम वैसे ही होता है 55 डिग्री होता है, ये आपका पिच हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं एंगल इसका क्या हो गया, एंगल जो हमारा हो गया सेम 55 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सब कुछ सेम है, इसका पिछले वाले का फॉर्मूला सारा सेम है, बीएस जैसे बीएसपी का बीएसडब्ल्यू का होता है, बीएसएफ का भी सब सेम है। तो और इसका हम लोग देख लेते हैं, आपका डेप्थ हो गया 0.6403 पी डेप्थ हो गया, और आपका क्या था रेडियस था, रेडियस 0.1373 इंटू पी, ये भी मल्टीप्लाई पी है, तो आपके ये तीन हो गए, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट, बीएसपी देखेंगे, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, तो रफ कर देता हूं उसको, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, थ्रेड हो गया। अब देखिए इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, क्या कहेंगे, बी से ब्रिटिश हो गया,
ऐसे स्टैंडर्ड हो गया, पी से पाइप हो गया, बीएसपी कहेंगे, ठीक है। ये भी सेम एस, सेम एस उसकी होती है बीएसडब्ल्यू के, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विद वर्ड के बराबर होती, सेम सेम होती है, बट डिफरेंस क्या है, ये बहुत फाइन होता है, इसकी इट्स पिच इज वेरी फाइन, वेरी फाइन, ठीक है, बहुत फाइन होती है, सबसे ज्यादा फाइन इसकी होती है, तो इसकी बहुत फाइन होती है, जैसे कंपेयर टू ऐसे करके हम लोग लगा देते हैं कि किससे, बी एस, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, बी एस डब्ल्यू हो गया आपका, बी एस डब्ल्यू हम लोगों ने इससे पहले हम लोग पढ़ा था, बी एस एफ पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है। तो आप एक तरह से ये तीनों को कंपेयर कर सकते हैं इसकी पिच, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए इसका एप्लीकेशन है स्टीम पाइप में यूज होता है ये, देखिए आपका क्या है, ये पाइप है तो ऑब्वियस है स्टीम पाइप में यूज होगा, और आपका कहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, वाटर में, यूज इन वाटर, जो वाटर पाइप होती है वाटर पाइप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया। गैस वाली, गैस पाइप भी होती है हमारी, तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, गैस पाइप। अब चलिए जल्दी से इसके हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगल सेम है फिगर इसका भी, इसका भी एंगल आपका जो होता है 55 डिग्री होता है, एंगल का 55 डिग्री हो गया, ठीक है। और आपका ये डेप्थ, जो आपकी डेप्थ हो गई वो कितनी हो जाएगी, 0.6403 पी आपकी डेप्थ हो गई। अब इसका रेडियस हो जाएगा 0.0 आपका हो जाएगा इसका रेडियस 0.1373 पी। तो ये आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड जो है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, ये हमारा थर्ड नंबर था, चलिए हम लोग फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, रफ कर दे रहा हूँ उसको, पर फोर देख लेते हैं हम लोग, शार्प वी थ्रेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे जो रूट और क्रेस्ट, इसके रूट और क्रेस्ट जो होते हैं, रूट एंड क्रेस्ट जो होते हैं बहुत नुकीले होते हैं, यानी बहुत नुकीले टाइप, नुकीले को हम लोग क्या कहेंगे, शार्प टाइप के होते हैं बहुत, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, देखिए जब ये रूट और इसके सॉरी क्रेस्ट जो है हमारे बहुत शार्प होंगे तो बहुत जल्दी खराब जाएगी ये, तो ये बहुत जल्दी खराब जाते हैं, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत जल्दी हमारा खराब हो जाता है, ठीक है। जब हमारे इसका शार्प वी थ्रेड में रूट और क्रेस्ट बहुत नुकीले होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत जल्दी खराब जाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग यूज़ जो करते हैं घड़ी के पेच में, घड़ी के पेच वेच में ये सब यूज़ करी जाती हैं, जहाँ पे बहुत फाइन बहुत नुकीले इसके थ्रेड की ज़रूरत होती, क्या होता है बहुत जल्दी इसके खराब जाते हैं, क्या थ्रेड, जो थ्रेड है इसके बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फॉर्मूले हैं। तो इसका जो हमारा एंगल होता है, एंगल होता है 60 डिग्री होता है, ये आपका मान लीजिए ऐसे करके एकदम नुकीला है, इसके रूट भी नुकीले क्रेस्ट भी नुकीले हैं, तो ये आपका रूट है, ये सॉरी क्रेस्ट है और ये आपका रूट है। मैंने पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा ये बहुत नुकीले मिलते हैं इसके। तो एंगल हमारा हो गया, इसका एंगल कितना हो गया, इसका इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। अब चलिए हम लोग इसका डेप्थ देख लेते हैं, डेप्थ इसका हो जाएगा 0.866 मल्टीप्लाई बाय पी, तो ये आपकी जो डेप्थ हो जाती है, ये आपके जो डेप्थ है ये हो जाएगा 0.866 पी। तो आज के लिए, आज मैंने आपको चार थ्रेड पढ़ा दिए, थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, तो चलिए अधिक से मतलब अगली वीडियो में आप, मैं बाकी आपके जो थ्रेड है वो सब कंप्लीट कर लूँगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बहुत जल्दी से ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूँगा आपको, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू क्लास।